हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अभिषेक मित्तल। सीए फाइनल के रिव्यूज़ करते करते मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स ने कहा कि आप आईपीसी और इंटर के लिए भी जो है वीडियोस बनाएं। अभी मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीए इंटर के लिए एक बुक का रिव्यू करने जा रहा हूँ। ये बुक जो है सीए राजेश मक्कर सर ने लिखी है एंड एक कार्बी नॉलेज प्रेस की है बुक। ये बुक जो यूज़फुल है वो सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें थ्योरी एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दोनों ही इंक्लूडेड हैं। और जैसा कि आप कवर पे भी देख सकते हैं, इसमें ये है कि एज़ पर आईसीएआई न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही ये बुक बनाई गई है। यानी कि ये जो बुक है वो आईसीएसआई का सारा मटेरियल कवर करती है, प्लस ऑथर के जो कुछ एक्स्ट्रा नोट्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं समझाने के लिए, वो भी ये कवर करती है। तो इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। फीचर्स जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, फीचर्स है कंप्लीट कवरेज ऑफ आईसीआई न्यू सिलेबस, 500+ टॉपिक वाइज सॉल्व प्रॉब्लम्स। अगर सॉल्व प्रॉब्लम देखी जाए इसमें तो 500 सॉल्व प्रॉब्लम्स है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। आपको प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा है ये। इसके बाद पास्ट 40 ईयर एग्जाम सॉल्व प्रॉब्लम्स, 48 एग्ज़ाम्स के सॉल्व प्रॉब्लम्स इसमें दिए गए हैं। यानी कि बहुत सारे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं उसका सॉल्यूशन के साथ इसमें दिया हुआ है। यानी कि आपको स्कैनर की ज़रूरत नहीं है पास्ट ईयर के क्वेश्चंस रेफ़र करने के लिए। प्लस यूनिक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, कुछ टेक्निक्स ऑथर ने जो है दी हुई हैं जिसके थ्रू आप इजिली और कम टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ है, सेल्फ स्टडी मॉड्यूल विद ऑथर ट्यूटोरियल नोट्स। यानी कि ये बुक जो है आप बिना किसी टीचर के आप इसको सेल्फ स्टडी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ऑथर ने हर जगह पे ट्यूटोरियल नोट्स दिए हुए हैं इस बुक के। वेल प्रेजेंटेड फ्लो चार्ट डायग्राम्स एंड टेबल्स, डायग्राम्स और टेबल्स का भी यूज़ किया गया है इसमें। और ग्लॉसरी फॉर क्विक रिवीजन ऑफ कॉन्सेप्ट, क्विक रिवीजन पर्पस के लिए भी इसमें काफ़ी ध्यान दिया गया है, ग्लॉसरीज दी गई हैं। तो चलिए इनसाइड कंटेंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्राइसिंग की बात करते हैं। इस बुक का जो एमआरपी है वो 750 रुपीज़ है, और मैं आपको लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे आप चेक कर पाएंगे इसके इनसाइड कंटेंट और इसको परचेज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए इनसाइड कंटेंट देखते हैं। इसमें सिलेबस की मैपिंग इस तरीके से की गई है, इसमें 1 2 3 4 टोटल जो है इसको 14 चैप्टर्स में इसको बांटा गया है, और ग्लोसरी और टेबल्स जो है अलग हैं इससे। तो ये है चैप्टर 1। चैप्टर 1 में अगर हम देखते हैं तो इसमें पहले ही डिफाइन कर दिया जाता है क्या क्या चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद इसमें यहाँ से स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन, उसके बाद हर एक टॉपिक को डिफाइन किया गया है और बहुत कमेंट्स भी दिए गए हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल, बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो यहाँ पे उसको अच्छे से एग्ज़ाम फोकस के लिए 2 मार्क्स का इसमें दिया गया है कि आप 2 मार्क्स का यही क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इसमें ऐसे देख सकते हैं, इस तरीके से हिंट्स दिए गए हैं, तो ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा। इसके बाद स्कोप यहाँ पे दिया गया है, इसके बाद यहाँ पे एग्ज़ाम फोकस 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है इस पर। तो इस तरीके की चीज़ें जो कि ऑथर ने जो है अपने एक्सपीरियंस के थ्रू इसमें जो है दी। तो अब यहाँ पे हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी, दूसरा चैप्टर है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद एग्जांपल्स के थ्रू काफ़ी, और जो है ऑथर्स ने नोट्स बनाए हुए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं कैसे कैलकुलेट करना है और कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। तो
ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं डिटेल में। सो सेम फॉर्मेट आप जो है पूरी बुक में सेम फॉर्मेट आपको मिलेगा। और इस बुक की अगर मैं पेजेस की बात करूँ तो 16 पेजेस जो है इसके फर्स्ट चैप्टर में है, 10 पेजेस जो है सेकेंड चैप्टर में है, 16 पेजेस फिर जो है थर्ड चैप्टर में है। सबसे ज़्यादा जो पेजेस हैं वो 90 पेजेस हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, कैपिटल बजटिंग के चैप्टर में। तो ये सारे कंटेंट आप देख सकते हैं किसमें कितने पेजेस हैं। और जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले टाइम में मैं और भी कुछ इम्पोर्टेंट वीडियोस आपके लिए बनाने वाला हूँ सेम टॉपिक पे। एंड अगली वीडियो आप किस पे चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एंड थैंक्स जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स।